चलो इस क्वेश्चन को देखो फिर से, इसको ट्राई करो, देखो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़े हो थियोरी में अच्छे से, तभी जाके इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो रिजोनेंस से रिलेटेड है। रिजोनेंस क्या होता है? जब ऑसिलेशन होती है, किस टाइप की ऑसिलेशन होती है बोलो? फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है? जैसे मैं आपको थियोरी में बताया था कि अगर एक बच्चा है और वो झूला झूल रहा है, ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स यहाँ पे उसको बार बार एक, जैसे ही बच्चा उसके उसके उन पेरेंट्स के पास आता है, पेरेंट्स एक फोर्स लगा के उसको ऑसिलेट कराते रहते हैं, और ऐसे ऑसिलेशंस को हम फोर्स ऑसिलेशन बोलते हैं। फ्री ऑसिलेशन क्या होता है? ये बच्चा झूला झूल रहा है वैक्यूम में, एक बार अगर वो झूला झूला स्टार्ट कर दिया तो इनफाइनाइट टाइम तक उसका झूला झूलता चला जाएगा, ऐसे ऑसिलेशंस को फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। वो ऑसिलेशन SSM होता है और उसमें टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। अगर वही बच्चा एयर में झूला झूल रहा है तो कुछ टाइम बाद उसकी जो झूला है उसको रुक जाएगा, उसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशन। लेकिन अगर बच्चा झूला झूला और बगल में पेरेंट्स खड़े हैं, उसको बार बार फोर्स लगा रहे हैं, एक वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं, जो ये वेरिएबल फोर्स है जो टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, F=sin ωt, पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऑसिलेशन को फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। और फोर्स ऑसिलेशन में दो ऑसिलेशन हो गया, एक तो उस बच्चे का ऑसिलेशन हो गया, एक उस पेरेंट्स के एक उस पेरेंट जो फोर्स लगा रहा है उसका ऑसिलेशन हो गया। और फोर्स ऑसिलेशन में आपको बताऊं, इंजीनियरिंग में और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत जगह ये यूज होता है। और एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है फोर्स ऑसिलेशन में जब इस बच्चे का एम्पलीट्यूड और इतना ज़्यादा हो जाता है, और उस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बोलते हैं रिजोनेंस। वो कब होता है? जब इस बच्चे की फ्रीक्वेंसी, इस बच्चे का ओमेगा इस पेरेंट्स के फ्रीक्वेंसी या ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ऐसे कंडीशन को रिजोनेंस बोलते हैं। और रिजोनेंस में जब एम्पलीट्यूड हाई होता है तो एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर आप इतनी सी बात जानते हो तो ये सवाल सॉल्व कर लोगे बस एक लाइन में। अब ये जो नहीं पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता यार। चलो, तो ओमेगा वन पे देखो रिजोनेंस हो रहा है, और उस पे ओमेगा टू पे क्या है भाई? एनर्जी मैक्सिमम है। और अब पहले से पता है कि रिजोनेंस पे एम्पलीट्यूड पे एनर्जी मैक्सिमम होती है, मतलब ओमेगा वन और आपस में ओमेगा वन जितना होगा उतना ओमेगा टू भी होगा। तो ओमेगा वन अगर ओमेगा नॉट है तो ओमेगा टू भी ओमेगा नॉट होगा। ये क्यों गलत है भाई? इसको देखो, इसमें ओमेगा वन एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम है उस वक्त एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, और जब वो आपस में इक्वल नहीं है, जो कि गलत है। जब रिजोनेंस होता है और एनर्जी मैक्सिमम होती है तो उस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कॉन्सेप्ट और थ्योरी